दोस्तों ये IITs के अंदर ही इतने ज्यादा प्लेसमेंट एंड इतने ज्यादा स्टार्टअप कैसे निकल रहे हैं, हालांकि जो अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वहां से स्टार्टअप क्यों नहीं आ रहे? वाई सिर्फ IITs के अंदर ही बच्चे स्टार्टअप क्यों करते हैं और वहां से ही बच्चे स्टार्टअप करना क्यों सीख रहे हैं? आज टॉप IITs के अंदर ही स्टार्टअप क्यों आ रहे हैं? आखिरकार इंजीनियरिंग कॉलेज अदर कॉलेजों में या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में स्टार्टअप क्यों नहीं आ रहे? IITs में ऐसा क्या खास है कि वहां पे स्टार्टअप आ रहे हैं? क्या अलग है वहां पे, या फिर वहां पे ऐसा क्या घोल पिलाया जा रहा है जहां पे बच्चे स्टार्टअप कर रहे हैं? आखिरकार वहां पे क्या है ऐसा जो कि हमें पता लग जाए और हम अदर कॉलेजों में भी इम्प्लीमेंट कर दें ऐसी जो चीज जहां से बच्चे जो है वो प्लेसमेंट ले रहे हैं और स्टार्टअप भी कर रहे हैं? ऐसा कुछ तो है वहां पे डिफरेंट, क्या हो सकता है कमेंट में गेस करो, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों IITs की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दशकों के अंदर देखा जाए बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसी समस्याएं आती थी इंडस्ट्री कोलेबोरेशन से रिलेटेड या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड, आखिरकार प्रोडक्ट कैसे डेवलप किया जाए, क्यों डेवलप किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि बीटेक करते करते अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी खुद की कंपनी रन करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास खुद का वक्त स्पेस नहीं होता, उनके पास खुद की टीम नहीं होती और सबसे बड़ा कारण उनके पास एक पैसा भी नहीं होता। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने और बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े IITs ने और IIMs ने लॉन्च किए इनक्यूबेशन सेंटर। कौन सा सेंटर? इनक्यूबेशन सेंटर। इनक्यूबेशन सेंटर बहुत सारी जगह इसको इनोवेशन सेंटर भी बोला जाता है, बहुत सारी जगह ऐसी चीजों को ई सेल भी बोला जाता है। अगर मैं बात करूं आज हमारे देश के अंदर टॉप इनक्यूबेशन सेंटर के अंदर IIM अहमदाबाद, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली के अंदर आपको इनक्यूबेशन सेंटर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि अभी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस, बहुत सारे IITs के अंदर इनक्यूबेशन सेंटर बना दिए गए। इनक्यूबेशन सेंटर की सक्सेस की अगर बात की जाए, आपने एथर मोटर्स का नाम सुना होगा, उन्होंने अपने बहुत सारे काम IIT मद्रास के लैब के अंदर ही किए थे। हालांकि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जो कि IITians ने स्टार्ट किए हैं, वो इनोवेशन सेंटर या फिर इनक्यूबेशन सेंटर में ही स्टार्ट करते हैं। आखिरकार अब ये इनक्यूबेशन सेंटर के अंदर हम कैसे इंट्री ले सकते हैं, आखिरकार वहाँ का क्या प्रोसेस होता है और वो क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इनक्यूबेशन सेंटर, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इनक्यूबेशन सेंटर की अगर बात की जाए तो इनक्यूबेशन सेंटर एक पब्लिक फंड होता है जिसके अंदर जो भी फंडिंग होती है वो या तो NGO या फिर एंजल इन्वेस्टर या फिर गवर्नमेंट फंड करता है उसको। इसके अंदर आपको वर्क स्पेस मिलता है, बहुत सारे आपको इंटरनेट फैसिलिटी मिलती है, आपको ऑफिस वर्क स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप बैठ के काम कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही वहाँ पे जो भी फैसिलिटी रिक्वायर्ड है, चाहे वो R&D हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे आपको मेंटोरशिप हो, चाहे गाइडेंस हो, आखिरकार एक स्टार्टअप कैसे रन होता है, मार्केटिंग कैसे की जाती है, उसका प्रोडक्शन कैसे होगा, उसके ऊपर रिसर्च कैसे किया जाता है, इन सब का कंप्लीट के अंदर आपको रिजोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है इन द इनोवेशन सेंटर। बहुत सारे स्टूडेंट, अगर IIT बॉम्बे की अगर बात की जाए, किसी भी स्टूडेंट के पास अगर अपना आइडिया है तो वो IIT बॉम्बे शाइन के अंदर जा सकता है जो कि एक इनक्यूबेशन सेंटर बनाया गया है। इसके साथ ही IIT मद्रास के अंदर, IIM अहमदाबाद के अंदर, बहुत सारे NITs के अंदर, बहुत सारे IITs के अंदर, ऑलमोस्ट IITs के अंदर इनक्यूबेशन सेंटर बना दिए गए। वहाँ पे बच्चे जाते हैं, वहाँ पे आपको मैनेजमेंट के पास जाके अपना आइडिया पिच करना होता है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं देन जो है आपको वहाँ पे वर्क स्पेस मिल जाता है। अब वहाँ पे बैठ के अपनी टीम के साथ अपने स्टार्टअप का पूरा काम कर सकते हैं, जहाँ पे जो आपको एंजल इन्वेस्टर भी मिलते हैं जो कि आपके स्टार्टअप के अंदर फंड डालते हैं, आपको एज ए मनी प्राप्त हो जाता है। आपको जस्ट लाइक VC जो होते हैं, स्पेशली आप एंजल इन्वेस्टर मान सकते हैं, या फिर छोटे VC भी होते हैं जो कि आपको अपने स्टार्टअप के लिए सहायता करते हैं, वहाँ पे आपको एक बेसिक फंड या फिर एंजल फंड आपको मिल जाता है, जिससे कि आप अपना सीड फंडिंग जिसको बोला जाता है अपना सारे का सारा सिस्टम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप अकेले हैं देन भी आपको सीड फंडिंग मिल जाती है और जो है आप अपनी एक टीम डेवलप कर सकते हैं, हालांकि वहाँ पे आपको बहुत अच्छी टीम भी मिल जाती है। उसके बाद अगर बात की जाए, बहुत सारे वहाँ पे अलग अलग प्रोफेसर एंड बहुत अच्छे अच्छे एंजल इन्वेस्टर लगातार विजिट करते हैं, जो भी बड़े बड़े
धनी लोग होते हैं आपके एरियाज के, बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर लोगों को बुलाते हैं आपको गाइड करने के लिए, वहाँ पे बहुत सारे लगातार सेमिनार्स होते हैं, आपको बताया जाता है पब्लिक फंडिंग के बारे में, मार्केटिंग के बारे में सिखाया भी जाता है बहुत सारे इनोवेशन सेंटर के अंदर। स्पेशली क्लासेस भी लगती है वीकली, जहाँ पे जो है आपको बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे एलुमनाइज एंड स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं इनक्यूबेशन सेंटर के अंदर हाउ टू ग्रो इन द मार्केट, अपना प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, उसके लिए क्या क्या ट्रिक्स हो सकती है, ये सब कुछ इनक्यूबेशन सेंटर के अंदर कराया जाता है। अगर बात करें IITians स्टार्टअप्स की, बहुत सारे स्टूडेंट इन द सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर के अंदर ही इनक्यूबेशन सेंटर या फिर इनोवेशन सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ पे जो अपने स्टार्टअप के ऊपर काम करते हैं टिल जब तक वो अपनी कंप्लीट करते हैं बीटेक, वो एक बहुत अच्छी पोजीशन पे आ जाते हैं और एक बहुत अच्छा स्टार्टअप स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि बहुत सारे स्टार्टअप है जो कि IITs के बहुत अच्छे अच्छे सेंटर्स के अंदर बनाए गए। अगर बात करें IIT मद्रास की, IIT मद्रास इनक्यूबेशन सेंटर या फिर इनोवेशन सेंटर के अंदर R&D पे बहुत अच्छा काम किया जाता है। हालांकि अगर वहाँ की बिल्डिंग्स की बात की जाए तो वहाँ पे 3D प्रिंटिंग्स बिल्डिंग्स बनाई गई है, वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर बनाया गया। अगर इनोवेशन की बात की जाए वहाँ पे तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है अभी मार्केट के अंदर आपको देखने को मिल रहे होंगे, बहुत सारे IITians IIT मद्रास के अंदर इनक्यूबेशन सेंटर में बनाए हैं। IIM अहमदाबाद की अगर बात की जाए वहाँ से भी काफ़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट निकल के आ रहे हैं। इसके साथ ही स्टार्टअप फाउंडर्स निकल के आ रहे हैं IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस। इसके साथ ही अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात की जाए तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी आपकी हेल्प की जाती है, वहाँ पे भी इंक्यूबेशन सेंटर बनाए गए जो कि सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए बनाए गए। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे फाउंडर्स प्राइवेट कॉलेजों से भी निकल के आ रहे हैं। आपको इसका बहुत अच्छा फायदा यह होता है इंक्यूबेशन सेंटर का कि आपको एक एज ए वर्किंग एक्सपीरियंस, बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड बहुत सारे IITs आपको ये भी मौका देती है, आपको जो स्टाइफंड प्रोवाइड करती है। अगर बात करें टॉप IIMs की, अगर आप किसी भी IIM के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, आप अगर अपने स्टार्टअप के काम करते हैं, अगर आपको स्टार्टअप जो है सेलेक्ट हो जाता है देन आपको IIMs जो है स्टाइफंड भी प्रोवाइड करते हैं जब तक कि आप अपने स्टार्टअप पे काम कर रहे हो। अगर आपका स्टार्टअप सेलेक्ट नहीं होता है टिल 3 साल तक अगर आपको कोई भी सक्सेस नहीं मिलती है देन आप IIM के अंदर फिर से जा सकते हैं और आपकी जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है वो जो आपको मिलने वाली थी MBA के बाद में वो फिर से आप ले सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा बेनिफिट ये भी होता है कि अगर आपका स्टार्टअप फेल भी हो जाता है देन आपको IIMs फिर से प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। साथ में जब तक आप स्टार्टअप पे काम करते हैं आपको IIMs पूरी हेल्प करता है कि आप जो है लगातार ग्रो कर सके और कुछ काफ़ी अच्छी स्टाइफंड्स एंड कुछ गुड्स स्नैक्स एंड जो भी उनकी तरफ से हो सकता है गवर्नमेंट की जो भी रूल्स एंड अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट की इस स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में? डेफिनेटली देश के अंदर बहुत अच्छा रिवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। अगर इंडिया की बात की जाए स्टार्टअप सॉफ्ट टेक इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने अपने R&D पे काम किया है स्पेशली इन द इनोवेशन सेंटर या फिर इंक्यूबेशन सेंटर। आप किस कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं आपके कॉलेज के अंदर भी हो सकता है इंक्यूबेशन सेंटर या फिर ECL बनाया गया हो। आज इंडिया के अंदर बहुत सारे हजारों ECLs बना दिए गए हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों के अंदर आपको ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ECL देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आप वहाँ के स्टूडेंट है या नहीं है, आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, एक अच्छा आइडिया होना चाहिए और आप वहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका स्टार्टअप एंड आपके इंक्यूबेशन सेंटर की क्या पॉलिसी है। आप अपने नज़दीकी इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर विजिट कर सकते हैं एंड पता कर सकते हैं। आप अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड इंडिया के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं देन आप चूज कर सकते हैं कॉलेज जानकार को, जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपके लिए फ्यूचर के अंदर बेस्ट कोर्सेस कौन सा हो सकता है, आपको आफ्टर द 12th क्लास, आपको आफ्टर द ग्रेजुएशन क्या करना चाहिए, आखिरकार फ्यूचर में जो आप कोर्स करने वाले हो इसका क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स रहने वाला है, क्या जो आप कोर्स करने वाले हो क्या फ्यूचर में वो आपके लिए अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ChatGPT जैसे ऑप्शंस ने पूरा वर्ल्ड के अंदर रिवोल्यूशन ला दिया। अगर आप इस इंटरनेट टेक्नोलॉजी के जमाने में अगर आप इसके हिसाब से नहीं चलते देन डेफिनेटली आप जीवन के अंदर बहुत कुछ खो सकते हो। इसलिए जरूर से चेकआउट करें collegejankar.com और डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद, मैं आपसे विदा लेता हूँ, थैंक यू।